हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक। स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोगों का प्रोटिक यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग लेकर के आ चुका हूं कुछ न्यू एंड्रॉइड गेम्स, जिनके अंदर में आप लोगों को सर्वाइव करना होगा। यानी कि सर्वाइवल बेस्ड गेम मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, जिनमें आप लोगों को क्राफ्टिंग करनी होगी, बिल्डिंग करनी होगी, ऑब्जेक्ट्स वगैरह को कलेक्ट करना होगा। आसपास ज़ॉम्बीज देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनसे आप लोगों को बचना होगा। कई बार ज़ॉम्बीज से फाइट भी करनी होगी। तो चलिए फाइट करते हैं दोस्तों। कौन से वो गेम्स और कैसी होने वाली है उनकी ग्राफिक्स, और अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो जल्दी से अगर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो भी जाकर कीजिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, ताकि आप लोग हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। और इसी के साथ में चलिए इस वीडियो को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरा बात कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स की। जी हाँ दोस्तों, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय यूएस कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, ये एक वॉर बेस्ड फाइटिंग गेम है, जहाँ पर से आप लोगों को 12 से ज्यादा मिशंस देखने के लिए मिल जाएंगे, मल्टीप्लेयर मोड्स मिल जाएंगे, यानी कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ में प्ले कर सकते हो। इतना ही दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट भी मिल जाएगा, यानी कि iOS और एंड्रॉइड वर्जन एक साथ में प्ले कीजिए। अलग अलग टाइप की वेपन्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, नई नई व्हीकल्स मिलेंगी, एयर सपोर्ट आप लोग बुला पाएंगे ताकि आप लोग डिफेंस कर पाए और नई नई स्ट्रेटजीज को बना करके अपने सामने वाले अपोनेंट को हरा दें। सो अगर आप लोगों को ये गेम पसंद आए तो डाउनलोड कीजिएगा, लिंक्स आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हम लोग अपने सीरीज में आने वाले सबसे पहले धमाकेदार गेम की, जो निकल के आता है दोस्तों लॉस्ट। दोस्तों, लॉस्ट गेम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा। चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था दोस्तों, एक क्रू जा रहा था एयरप्लेन के ऊपर, लेकिन उसके साथ में दुर्घटना हो जाती है और वो एयरप्लेन क्रैश हो जाता है दोस्तों ऐसे सर्वाइवल आइलैंड के ऊपर, जहाँ पर से बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप लोगों को वहाँ पर सर्वाइव करना होगा। आप लोगों को सारी चीजें कलेक्ट करनी होगी, लाइक आप लोगों को अपना घर बनाना होगा, खाने पीने के आइटम्स वगैरह कलेक्ट करने होंगे, आप लोगों को अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करना होगा ताकि दोस्तों वो आने वाले खतरों से सर्वाइव कर पाए। इतना नहीं दोस्तों, यहाँ पर से आप लोगों को नेचुरल कैलमिटीज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक दोस्तों वॉल्केनोस हो गए, फ्रीजिंग ग्लेशियर्स वगैरह हो जाएंगे। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि ये खतरा भी आप लोगों के लिए काफी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर से वेरियस टाइप के अलग अलग क्रीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक ज़ॉम्बीज हो गए, म्यूटेंट्स हो गए, जो आप लोगों को मारने आएंगे, तो उनसे भी आप लोगों को सर्वाइव करना होगा। यानी कि अगर ओवरऑल मैं आप लोगों को बताऊं तो एक अच्छा सर्वाइवल गेम है, जिसमें आप लोगों को मल्टीप्लेयर सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि अपने दोस्तों के साथ में उस आइलैंड पे जाइए, चीजें कलेक्ट कीजिए और सर्वाइव कीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सीरीज में आने वाले हमारे सेकंड गेम की, जो निकल के आता है दोस्तों ज़ॉम्बी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियंस। अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस गेम की, तो यहाँ पर आप लोगों को सर्वाइवल देखने के लिए नहीं मिलता है। एक्चुअली में सर्वाइव तो करना है फाइट में, लेकिन इस तरीके का नहीं कि आप लोग किसी आइलैंड पे छोड़ा जाए या ज़ॉम्बी से फाइट की जाए। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वन ऑन वन हेड ऑन फाइट लेते हैं आप लोग अलग अलग क्रीचर्स से, यानी कि फाइट तो इसमें भी है, सर्वाइवल भी इसमें है, और आप लोग खुद एक ज़ॉम्बी होते हैं। इस गेम का प्लॉट ट्विस्ट है दोस्तों, दो ज़ॉम्बीज आपस में लड़ते हैं, आप लोग जो नॉर्मल पीपल है उनको इन्फेक्ट भी करते हैं उनसे फाइट करके। तो यार काफी अच्छा मजेदार गेम है, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी फाइटिंग मिल जाएगी। ढेर सारे कॉम्बोज आप लोग बनाइए, इन्वेंट कीजिए मूव्स वगैरह, उनका इस्तेमाल कीजिए अपने अपोनेंट्स को हराने के लिए। अलग अलग लीग्स एंड चैंपियनशिप्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक दोस्तों सेवेज आर, शो टाइम एरिना, फॉर्च्यून कैसीनो, डिफरेंट डिफरेंट, जिनमें आप लोग जाकर के फाइट करेंगे अलग अलग कैरेक्टर्स से। तो चलिए खैर यार, ये तो था दोस्तों एक बेसिक सा सिंपल अच्छे ग्राफिक्स वाला ज़ॉम्बी फाइटिंग गेम। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सीरीज में आने वाली हमारी थर्ड गेम की, जो निकल के आता है दोस्तों स्टे अलाइव। अब यार जिस गेम के नाम में स्टे अलाइव आ जाए, तो सोचो उस गेम में कितना खतरनाक एडवेंचर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली में इस गेम की स्टोरी में हुआ क्या था, एक एपोकलिप्स आ जाता है दोस्तों पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर, जहाँ पर प्लेनेट के सारे लोग किसी अननोन वायरस की चपेट में आकर के मर रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर से इन्फेक्शन फैल रहा है सारे ह्यूमन बींग्स के ऊपर, सारी ह्यूमन रेस मर रही है, और मरने के बाद में दोस्तों कुछ टाइम के बाद वो लोग ज़ॉम्बीज बन जा रहे हैं। वैसे आजकल का जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो यार सारे के सारे गेम थोड़ा थोड़ा उस जैसे ही देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए खैर, हम लोग पर्सनल नहीं चाहते हैं, बात करते हैं गेम की। और दोस्तों जब आप लोगों के सारे लोग ज़ॉम्बीज बन जा रहे हैं, और जो कुछ लोग बेचारे बचे हुए सर्वाइवर्स हैं, उनको अपना ब्लड बचा करके रखना होगा उन ज़ॉम्बीज से, क्योंकि यार वही लोग जिंदे हैं और उन्हीं के ऊपर दोस्तों सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ह्यूमन रेस को बचाए रखने की। और इसी के साथ में आप लोग जाते हैं इस एडवेंचर में, आप लोग कलेक्ट करेंगे आसपास की सारी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, लाइक दोस्तों वेपन्स वगैरह हो गया, कपड़े हो गए, इंपॉर्टेंट आइटम्स हो गए, जिनसे आप लोग जिंदा रह पाएंगे और ज़ॉम्बी से फाइट करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस गेम में आप लोग स्टील्थ किल कर सकते हैं, यानी कि ज़ॉम्बीज के पीछे से जाइए, छुपके छुपके उनको बिना पता लगे उनका काम तमाम कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सीरीज में आने वाले हमारे फोर्थ गेम की, जो निकल के आता है दोस्तों एक्साइल सर्वाइवल। अब एक्साइल सर्वाइवल जो गेम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, वो आज के टाइम का नहीं है। इसके अंदर में दिखाई गई जो एनवायरमेंट है वो प्रिमिटिव सिविलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि वहां पर ही आप लोगों को ऐसे ऐसे खतरे देखने के लिए मिलते हैं जिनसे आप लोगों को सर्वाइव करना होगा। बहुत सारे ग्रुप से आप लोग फाइट करेंगे, पुराने टाइप की वेपन्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, आप लोग अपना घर बनाएंगे खुद का सारी चीजों को कलेक्ट करके, यानी कि इसमें भी आप लोगों को बिल्डिंग क्राफ्टिंग सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। इतना नहीं दोस्तों, यहाँ पर से आप लोग नई नई लोकेशंस में जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, फाइंड करने के लिए कुछ कमाल की चीजें या फिर रिक्वायर्ड आइटम्स, और उन्हें लेकर के आएंगे वापस से अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए।
और अगर मैं बात करूं विजुअल्स की तो वो भी आप लोगों को अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ये भी एक अच्छा गेम है। और चलिए यार इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फिफ्थ गेम की जो निकल के आता है फैन ऑफ गन्स। अब आप लोग दोस्तों फैन बनने वाले हैं गन्स के इस गेम को जैसे ही आप लोग प्ले करेंगे। ये एक एनिमेटेड स्टाइल का गेम है, गोलीबारी करनी होगी। बेसिकली एक सिंपल सा सर्वाइवल शूटिंग गेम है जहां पर आप लोग को 40 अलग अलग टाइप की वेपन्स देखने के लिए मिल जाएंगी जिनमें आप लोग अपग्रेड वगैरह भी कर सकते हैं। 12 अलग अलग कॉम्बैट मोड्स मिल जाएंगे, लाइक टीम फाइट हो गया, ज़ॉम्बी सर्वाइवल हो गया, फुल रैंडम हो गया, उनके अंदर में जाकर के आप लोग उन गेम मोड्स को प्ले कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर से आप लोगों को मल्टीप्लेयर सपोर्ट मिल जाता है ताकि आप लोग अपने दोस्तों के साथ में भी प्ले कर पाए। और चलिए इसी के साथ में बात करते हैं हम लोग अपने सीरीज में आने वाले सिक्स्थ गेम की जो निकल के आता है दोस्तों डॉन ऑफ विंटर लास्ट सर्वाइवल वॉर। अब यहाँ पर से आप लोगों के आसपास का जो इलाका है वो होने वाला है दोस्तों बर्फीला, यानी कि मेडिवल टाइम्स में जहाँ पर से बर्फ पड़ी हुई थी उस टाइम में जाकर के आप लोग सर्वाइव करेंगे। एक्चुअली में हुआ क्या था, आखिरी ज़ॉम्बी की लड़ाई होनी बाकी रह चुकी थी उस टाइम में, और उसी लड़ाई में पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग। ओपन वर्ल्ड मैप देखने के लिए मिल जाएगा यार, आसपास की कड़कती ठंड में ज़ॉम्बीज और करने पड़ेंगे, बाइक खतरनाक एनवायरमेंट है। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को हिडन मैप्स मिल जाएंगे जिन्हें आप लोग एक्सप्लोर करेंगे ट्रेजर्स वगैरह के लिए। साथ ही साथ में बड़े बड़े बॉसेस आएंगे जिनसे आप लोग फाइट करेंगे स्ट्रेटजीज वगैरह को बना करके। और चलिए इसी के साथ में अगर मैं बात करूं आप लोगों से सीरीज में आने वाले हमारे सेकंड लास्ट गेम की, तो वो निकल के आता है दोस्तों फ्रॉस्टबॉर्न कॉप सर्वाइवल। दोस्तों ये ट्रू आरपीजी गेम बनाया गया है सर्वाइवल फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पर से इसका प्लस पॉइंट है कि आप इसे दोस्तों के साथ में भी प्ले कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर आप लोग अपने 3 दोस्तों को लेकर के आइए, अपनी खुद की एक टीम बनाइए, और जब आप लोग चारों जाएंगे ज़ॉम्बी से लड़ने, बड़े बड़े बॉसेस जाएंगे उनसे फाइट करेंगे, तो काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इतना ही दोस्तों यहाँ पर से आप लोग क्लैन वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग अपना खुद का बेस भी बना सकते हैं, सब लोग मिलकर जब बेस बनाएंगे तो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों को ओपन वर्ल्ड एनवायरमेंट मिल जाता है, ढेर सारी वेपन्स मिलती है, एक्सप्लोर करने के लिए काफी सारा एरिया मिलता है, अच्छे ग्राफिक्स है, तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग सा गेम है। और इसी के साथ में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों अपने लास्ट गेम की तरफ, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग इस वीडियो के लास्ट गेम तक पहुंच चुके हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप लोग हमारे चैनल के प्राइम मेंबर्स। और जितने भी प्राइम मेंबर्स हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। और चलिए चलते हैं लास्ट गेम की तरफ, यानी कि जो 8th नंबर का गेम निकल के आता है वो है दोस्तों डार्क डेज ज़ॉम्बी सर्वाइवल। अब आप लोगों ने गेम का नाम सुना होगा दोस्तों, जिसका नाम है डेज गॉन। डेज गॉन एक प्लेस्टेशन 4 का एक्सक्लूसिव टाइटल है जहां पर से आप लोग बाइक्स वगैरह चलाते हैं, ज़ॉम्बीज आते हैं, अच्छे ग्राफिक्स मिलती है। उसी का मोबाइल वर्जन अगर मैं आप लोगों को कोई बताऊं जो की क्लोन टाइप का हो, तो वो निकल के आता है दोस्तों डार्क डेज। यार बहुत अच्छी ग्राफिक्स मिलती है, सेम टू सेम वैसा ही एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े ज़ॉम्बीज हैं, ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट है, शेल्टर वगैरह बना सकते हो, आसपास से रिसोर्सेस को गैदर कर सकते हो, क्राफ्ट कर सकते हो वेपन्स और इक्विपमेंट्स जिनकी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी सर्वाइव करने में। तो और क्या चाहिए यार, एक कंप्लीट सर्वाइवल गेम है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली चेक करके ट्राई कीजिएगा। सो दोस्तों यार ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को भी सर्वाइवल गेम खेलना पसंद है जिनके अंदर में ज़ॉम्बीज हैं या फिर ज़ॉम्बीज से फाइट करना पसंद है, तो इस वीडियो के सारे गेम्स को जाकर के चेकआउट करना, और ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल के साथ में स्टे ट्यून्ड रहिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई ऐसी धमाकेदार वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग प्रोटेक्ट, बाय बाय।